हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेक्शन टू का चैप्टर पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, द डिनर पार्टी। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ डिनर पार्टी एंड एन इशू दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन फॉक। ये जो स्टोरी है ये एक डिनर पार्टी के ऊपर वो है, और वहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा रहता है आदमी और औरतों के बीच में, वो हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द कंट्री इज इंडिया। अ कॉलोनियल ऑफिशियल एंड हिज वाइफ आर गिवन अ लार्ज डिनर पार्टी। दे आर सीटेड विथ देयर गेस्ट आर्मी ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट अटैचेस एंड देयर वाइफ्स एंड अ विजिटिंग अमेरिकन naturalist in their spacious dining room, which has a bare marble floor, open rafters and wide glass doors opening onto the veranda। यहाँ पर क्या है, ये जो स्टोरी है ये भारत की है, तो वो बोलते हैं कि देश भारत है और जो औपनिवेशिक अधिकारी हैं, जो कॉलोनियल ऑफिशियल हैं, वो और उनकी पत्नी एक बड़ी डिनर पार्टी दे रहे हैं। वे अपने मेहमानों के साथ आर्मी ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारियों और अमेरिकन जो प्रकृतिवादी हैं उनके साथ में अपने डाइनिंग रूम में, जिसका एक फर्श है बिल्कुल मार्बल का बना हुआ, ओपन रैफ्टर्स हैं और चौड़े शीशे के दरवाज़े हैं जो बरामदे में खुलते हैं, ऐसे रूम में वो लोग बैठे हुए हैं। A spirited discussion springs up between a young girl who insists that women have outgrown the jumping on a chair at the sight of a mouse era and a colonial who says that they haven't। अब यहाँ पर क्या है, एक युवा लड़की के बीच में एक उत्साही चर्चा छिड़ जाती है, एक चर्चा चलने लगती है कि कैसे कुर्सी पर कूदकर एक चूहे के डर से जो एक मतलब वुमेन्स जो हैं वो डर जाती है, और जो कॉलोनियल हैं वो कहते हैं कि वे वहाँ वे ने कहा कि वे नहीं हैं। फिर अ वुमेन अनफेलिंग रिएक्शन इन एनी क्राइसिस द कॉलोनियल सेज इज टू स्क्रीम एंड वाइल अ मैन मे फील लाइक इट He has that ounce more of nerve control than a woman has, and that last ounce is what counts। अब मतलब वो यहाँ पर बात जो डिस्कशन चल रहा है उसमें बता रहे हैं, किसी भी संकट में एक महिला की प्रतिकूल प्रतिक्रिया जो होती है, वो जो कॉलोनल है वो कहते हैं कि वो एक संकट है, मतलब वो डर जाती हैं, और जब कोई पुरुष उसे मतलब पुरुष इस स्थिति से गुजरता है तो वो बिल्कुल नहीं डरता। उसके पास यह है कि एक महिला की तुलना में जो जो पुरुष हैं उनमें तंत्रिका नियंत्रण अधिक होता है, और वो बोलते हैं कि जो अंतिम आउंस है यह है जो मायने रखता है, ऐसा वो बताते हैं। द अमेरिकन डज नॉट जॉइन इन द आर्ग्यूमेंट बट वॉचेज द अदर गेस्ट। जो अमेरिकन वहाँ पर बैठे हुए थे वो इस आर्ग्यूमेंट में जॉइन नहीं होते हैं, जबकि वो सारे गेस्ट को देख रहे होते हैं। एज ही लुक ही सीज अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन कम ओवर द फेस ऑफ द होस्टेस। शी इज स्टेरिंग स्ट्रेट अहेड, हर मसल्स कंट्रैक्टिंग स्लाइटली। विथ अ स्लाइट गेस्चर शी समन्स द नेटिव बॉय स्टैंडिंग बिहाइंड हर चेयर एंड विस्पर्स टू हिम। द बॉयज आईज वाइडन एंड ही क्विकली लीव्स द रूम। वह मतलब वहाँ पर बैठे हुए जो उनकी मेज़बान थी उनको वो देख रहे थे, वह सीधे आगे घूर रही थी, उसकी जो मसल्स थी वो थोड़ी सिकुड़ रही थी, थोड़े से मतलब उसने छोटा सा इशारे के साथ वो अपनी कुर्सी के पीछे खड़े एक लड़के को, देसी लड़के को, नेटिव बॉय को बुलाती हैं और
कुछ विस्पर करती हैं, फुसफुसाती हैं। उस लड़के की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह जल्दी से कमरे को छोड़कर चला जाता है। द अमेरिकन न्यू दैट इन इंडिया मिल्क इन अ बाउल मीन्स ओनली वन थिंग, बैड फॉर अ स्नेक। ही रियलाइज देयर मस्ट बी अ कोबरा इन द रूम। ही लुक्स अप एट द राफ्टर्स, द लाइकलीस्ट प्लेस, बट दे आर बेयर। थ्री कॉर्नर्स ऑफ द रूम आर एम्प्टी एंड द फोर्थ द नेटिव बॉयज आर वेटिंग टू सर्व द नेक्स्ट कोर्स। देयर इज ओनली वन प्लेस लेफ्ट अंडर द टेबल। अमेरिकन के अलावा कोई भी मेहमान नहीं देखता उस लड़के को वरांडे में दूध का कटोरा रखते हुए। अमेरिकन जानता था कि भारत में एक कटोरा दूध का मतलब केवल एक चीज़ है कि मतलब सांप के लिए प्रलोभन, वो सांप को प्रलोभन दे रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोबरा है। वह ऊपर राफ्टर्स को देखता है, संभावित जो स्थान है उन सब को देखता है, लेकिन वह जगह खाली थी। कमरे में तीनों कोने खाली थे और चौथे कोने में वो जो लड़का है वो अगली सेवा देने के लिए इंतज़ार कर रहा था। केवल एक जगह बची है, वो है टेबल के नीचे। हिज फर्स्ट इम्पल्स इज टू जम्प बैक एंड वॉर्न द अदर्स, बट ही नोज द कमोशन वुड फ्राइटन द कोबरा इनटू स्ट्राइकिंग। ही स्पीक्स क्विकली, द टोन ऑफ हिज वॉइस सो अरेस्टिंग दैट इट सोबर्स एवरीवन। उसका पहला इम्पल्स मतलब आवेग वापस कूदना और दूसरों को चेतावनी देना है, लेकिन वह जानता है हल्ला गुल्ला से कोबरा जो है वो डरता था। वह जल्दी से बोलता है, उसकी आवाज़ का जो स्वर होता है, उसकी जो वॉइस होती है, ऐसी होती है कि सबको हैरान कर देती है। आई वॉन्ट टू नो जस्ट वॉट कंट्रोल एवरी वन एट दिस टेबल हैज़। आई विल काउंट 300, दैट्स 5 मिनट, एंड नॉट वन ऑफ यू इज टू मूव अ मसल। दोज हु मूव विल फॉरफेट 50 रुपीज। रेडी। फिर वो बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस टेबल पर सभी का क्या नियंत्रण है, मतलब यहाँ पर सब लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं 300 तक गिनूँगा, वो भी 5 मिनट के लिए, और आप में से कोई भी अपनी मसल्स नहीं हिलाएगा। जो लोग आगे बढ़ेंगे वे अपने 50 रुपये खो देंगे। तो आप सब लोग रेडी हैं, ऐसा वो बोलता है। द 20 पीपल सिट लाइक स्टोन इमेजेस वाइल ही काउंट्स। ही इज सेइंग 280 व्हेन आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज ही सीज द कोबरा इमर्ज एंड स्लिथर आउट ऑफ द रूम। स्क्रीम्स रिंग आउट एज ही जम्प्स टू स्लैम द वरांडा डोर सेफली शट। जब वह गिन रहा था, 20 लोग पत्थर की मूर्ति बने हुए बैठे हुए थे, बिल्कुल पत्थर जैसे बनकर बैठ गए थे। उसने कहा 380। वह अपनी आंखों से देखता है कि कोने में से कोबरा निकलकर बाहर जाता है। वह एक चीख के साथ जंप करता है और बिल्कुल सावधानी से सेफली वरांडे के दरवाजे को बंद कर देता है। यू वर राइट कॉलोनियल, द होस्ट एक्सक्लेम्स, अ मैन हैज़ जस्ट शोन अस एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंट्रोल। तो आप सही है कॉलोनियल, मेजबान के आश्चर्य होता है। वो बोलते हैं कि एक आदमी ने हमें सही नियंत्रण का उदाहरण दिखाया है। जस्ट अ मिनट, द अमेरिकन सेज, टर्निंग टू हिज हॉस्टेस मिसेस व्यांस, हाउ डिड यू नो दैट कोबरा वॉज इन द रूम। अमेरिकन जो है वो बोलता है, एक मिनट, और अमेरिकन ने जो हॉस्टेस है उसकी तरफ मुड़ते हुए मिसेस व्यांस से पूछा, आपको कैसे पता चला कि कोबरा कमरे के अंदर था। अ फैंट स्माइल लाइट्स अप द वुमेन्स फेस एज शी रिप्लाइज, बिकॉज इट वॉज क्राउलिंग अक्रॉस माई फुट।
तो वो हल्की मुस्कान के साथ, मतलब जो लेडी है उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, और वह कहती है क्योंकि वह मेरे पैरों में रेंग रहा था। मतलब इस स्टोरी में हमें क्या क्या बताया गया था कि किसके अंदर ज़्यादा नियंत्रण है, वुमेन्स लोग कंट्रोल कर सकते हैं या मैन। तो इस स्टोरी को पढ़ के आपको क्या लगा? ये स्टोरी जो है वो मोना गार्डनर ने लिखी है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।